राजधानी में नगर निगम वार्ड 79 पार्षद प्रकाश चंद्र गुप्ता पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल के नेतृत्व में वार्ड 79 के कार्यकर्ताओं ने वार्ड पार्षद प्रकाश चंद्र गुप्ता के कार्यालय के आगे काले झंडे दिखाते हुए प्रकाश चंद्र गुप्ता का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता पहले सफाई कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वहीं एसीबी में मामला दर्ज भी हुआ, इसलिए वे पार्षद पद से इस्तीफा दें। समितियों का गठन हुआ और उसमें जब जो ये यहाँ के जो पार्षद हैं जो कि सफाई समिति के चेयरमैन थे और इनका भ्रष्टाचार करते हुए खुलेआम ऑडियो वायरल हुआ था, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी इसकी शिकायत जो है वो उस समय दर्ज करवाई गई थी और ये बात हुई थी कि इसकी जांच करके इस पे कार्रवाई की जाएगी। अब इन नई समितियों में इनको इसमें नहीं शामिल किया गया है, जिसे साफ तौर पे जाहिर होता है कि बीजेपी भी मानती है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार किया गया था। लेकिन सिर्फ चेयरमैन पद न देना या चेयरमैन पद से हटा देना किसी भ्रष्टाचारी के लिए सजा नहीं हो सकती है। अगर बीजेपी को पता ही है कि जब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, खुलेआम इनके ऑडियो वायरल हो चुके हैं, तो पार्षद पद से इस्तीफा जो है वो बीजेपी को मांगना चाहिए, लेना चाहिए। आज किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 71 में भाजपा के पार्षद प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो कि पिछले 18 माह से अपने चेयरमैन बनने के सपने वापस कयास लगा रहे थे, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को गुमराह कर रहे थे कि मैं वापस चेयरमैन बनूंगा, लेकिन जब उनके पार्टी के ही लोगों ने और जब एसीबी में मामला पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट से भी निर्णय आया नहीं, उसके बावजूद ही अपने तानाशाही यहाँ बैठकर अपने कर रहे हैं। हमारी यह नैतिकता के आधार पर प्रकाश चंद्र गुप्ता इस्तीफा दे और उनके पार्टी वाले उनसे इस्तीफा लें जब तक एसीबी का या कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। ऐसे पार्षद यहाँ बैठने लायक नहीं है, सरकारी दफ्तर इनसे तुरंत खाली।